कृषि संशोधन विधेयक के विरोध में किसानों के 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को बुलंदशहर के गल्ला व्यापारियों ने भी खुला समर्थन दिया है। गल्ला व्यापारियों ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर को किसानों के समर्थन में गल्ला मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। तस्वीरें बुलंदशहर और औरंगाबाद स्थित गल्ला मंडी की हैं, जहां धान लेकर पहुंचे किसान तो सरकार से कृषि संशोधन बिल वापस लेने की मांग करते हुए किसानों की मांगों को मानने से अपील ही कर रहे हैं। साथ ही गल्ला व्यापारी भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को अपनी अपनी दुकानें बंद कर गल्ला मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। देखिए, आज किसान सड़कों पर है, पूरी तरीके से दिल्ली को चारों ओर तरफ से घेर के रखा है किसानों ने, और हम किसान के साथ हैं, किसान के कंधा से कंधा मिला के साथ हैं। अब भारत का किसान जाग चुका है और कल जो जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। और कल जितनी भी हमारी उत्पादक चीज़ हैं, दूध है, सब्जी है, अनाज है, हम पूर्ण तरीके से कल उसे मंडी में नहीं बेचेंगे। और जी, कल पूर्ण तरह से भारत बंद हम किसान समर्थन करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, मैं औरंगाबाद गल्ला मंडी का अध्यक्ष हूँ। किसानों की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है, मंडियों में रेट नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार किसान विरोधी है, किसान बहुत परेशान है, दिन रात मेहनत करता है। भारत बंद का ऐलान किया है, हम उनके साथ साथ हैं और हमने कल 8 तारीख में मंडी बंद का भी निर्णय लिया गया है। सब बिना साथियों ने, हमारे मंडी आड़तियों ने हमारा सहयोग किया है और हम चाहते हैं कि सरकार किसानों की समस्या को समझे, उनकी परेशानी को समझे। सर्दी में भूखे पड़े हुए हैं किसान, हर आदमी को काम है लेकिन मजबूरी में पड़ा हुआ है किसान, उसकी समस्या को समझे, इसका निराकरण करे और हमारा MSP बढ़ाए और जो भी किसानों की जो मांग है उनको जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। मेरा नाम देवेंद्र सैनी है। इस पर क्या कहना है जी, सरकार की जो गलत नीतियां हुई हैं, हम चाहते हैं इन गलत नीतियों को हटाया जाए और किसान की जो उचित मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। और हमारा ये जो समर्थन के बारे में, हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे किसानों के लिए और हम कल से ही हम हड़ताल कर देंगे। अपना जो भी माल तैयार है हम उसे कतई बेचेंगे नहीं मार्केट में, ये हमारा आह्वान है। और सभी से गुजारिश करेंगे कि आप सभी जो अपना माल है उसे मार्केट में ना ही देंगे। इस सरकार ने काफी बहुत गलत किया है किसानों के साथ। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।